हेलो, आई एम डॉक्टर सोनल कोलते। आज हम बात करेंगे विटामिन डब्ल्यू के बारे में। विटामिन डब्ल्यू यानी वाटर, द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट ऑफ आवर बॉडी। बॉडी 50-75% वाटर से बनती है और वाटर बहुत ज़्यादा मायने रखता है हमारे खाने में, हमारे डे टू डे लाइफ में। कैसे, इसके बारे में ये वीडियो में हम बात करेंगे। Water has no nutrient value, no carbohydrate, no protein, no calories, means इसमें ऐसे कोई भी तत्व नहीं है जिसे हमें कोई न्यूट्रिएंट मिले। बट कमाल की चीज़ तो है, इसीलिए इसके बारे में बहुत बार बोला भी जाता है कि पानी पीजिए, वाटर थेरेपी। बहुत सारे डिसीज़ जो हम वाटर, सिर्फ वाटर इनटेक प्रॉपर करके ही हम बहुत सारे डिसीज़ को हमारे शरीर से दूर रख सकते हैं। जैसे कि सबको पता है 50-75% जो बॉडी हमारी बनी है, हमारा शरीर जो बना है, उसमें पानी है। तो ये 50-75% पानी हमारे शरीर में बनता है, जैसे कि डाइजेस्टिव जूसेस है, सलाइवा है, सेल में जो पानी रहता है, जॉइंट्स के लुब्रिकेंट्स के लिए जो पानी काम में आता है, ब्लड, द इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमारे शरीर में है, हमारा खून, उसमें भी बहुत सारा पानी रहता है। तो वाटर इनटेक कितना होना चाहिए और वाटर कम रहेगा तो क्या क्या होगा, ये हम आज, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। वाटर में न्यूट्रिएंट्स नहीं है, पानी में न्यूट्रिएंट नहीं है, कैलोरीज इसमें नहीं है, तो ये वेट लॉस में बहुत ज़्यादा काम में आएगा। जैसे कि जो वेट लॉस कर रहे हैं और उनकी बॉडी हाइड्रेटेड है, अगर पानी वो पी रहे हैं प्रॉपरली, कभी कभी बहुत बार हमें भूख लगती है इन बिटवीन मील्स में, जैसे कि खाना सुबह खाया है और दोपहर में खाना खाने के बीच में अगर हमें भूख लगती है, तो वो छोटी सी हंगर को हम वाटर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि सादा पानी पीने से भी हमारी भूख उस टाइम की होल्ड हो जाती है। सो हमारे शरीर को अगर हम प्रॉपरली हाइड्रेटेड रखते हैं तो ये फैट बर्नर के जैसे काम में आता है, कैलोरीज कम रहती है। अगेन, स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए, जॉइंट्स को लुब्रिकेंट रखने के लिए भी पानी काम में आता है। पानी भले ही कम मात्रा में लोग लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का सामना उन्हें करना पड़ता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन के बारे में बहुत बार बोलते हैं कि हम पानी कम पीते हैं, या एसिडिटी हो जाती है बहुत बार। तो पानी आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ्स में। और क्या क्या है जो चीज़ें पानी की वजह से हम रेगुलेट कर सकते हैं, जैसे कि डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, डिसॉल्विंग ऑफ न्यूट्रिएंट, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स जो है वो वाटर में ही सोल्यूबल होते हैं। अगेन, रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर, थर्मल रेगुलेशन जो हमारे बॉडी का है वो भी वाटर की वजह से होता है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वाटर में होती है, क्योंकि ब्लड जो है बहुत सारे पानी की वजह से बनता है और ऑक्सीजन तो ब्लड के थ्रू ही एक सेल को दूसरी सेल तक जाएगा। अगेन, मेटाबॉलिज्म जो हमारा है, जो एब्जॉर्प्शन या जो भी केमिकल रिएक्शंस बॉडी में होती है, वो भी वाटर अगर प्रॉपर आप इनटेक लेते हो तो मेटाबॉलिज्म हमारा थोड़ा बूस्ट रहता है। सो वाटर के इतने सारे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हम बहुत बार निगलेक्ट कर जाते हैं। मिनरल्स भी बहुत कम मात्रा में रहते हैं, लेकिन मिनरल्स जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, कुछ मात्रा में सोडियम है, ये भी हमारे वाटर में हमको मिलता है। ये रीजन के हिसाब से थोड़ा चेंज होता है, जैसे कि पानी कहाँ कहाँ से आ रहा है, कौन से रीजन से आ रहा है, उस हिसाब से भी मिनरल्स और विटामिन्स उसमें पाए जाते हैं। सो वेट लॉस के लिए थोड़ा सा कैल्शियम भी इसमें रहता है, सो फॉर योर हार्ट बीट्स और आपके बोन्स और टीथ के लिए भी काम में आता है पानी। उसके बाद आपका वेट कंट्रोल करता है, आपको ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी यानी आपके हार्ट को अच्छा रखता है, आपका बीपी कंट्रोल रखता है, क्योंकि आप हाइड्रेटेड रहते तो सोडियम क्लोराइड ये चीज़ें थोड़ी सी कम में रहती है। वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हमारे शरीर को है उसको कैरी करके बाहर निकालने का काम भी पानी करता है, इसलिए आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी
वाटर कंट्रोल में रखता है। अगर आप प्रॉपर इंटेक रखते हैं पानी का तो आपका पेट भी अच्छा रहता है। अगेन आपकी स्किन ग्लो करती है, मॉइस्चराइज रहती है, यू लुक गुड विद द लॉट्स ऑफ वाटर। सो सब चीज़ों में है ज़ीरो। वाटर का कॉन्फिगरेशन भी है H2O, फिर भी बहुत कमाल की चीज़ है। सिर्फ पानी प्रॉपर वे से, प्रॉपर टाइमिंग से और प्रॉपर क्वांटिटी से अगर आप पीते हो तो वो मेडिसिनल इफ़ेक्ट्स देते हैं, और वो मेडिसिनल इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं। छोटे छोटे चेंजेस, छोटे छोटे टाइम पे, छोटे छोटे डिफरेंसेस अगर हम करते हैं तो हमारी लाइफ में बड़े इफ़ेक्ट्स दिखते हैं। वैसे अगर ये पानी का मसला हम सॉल्व कर देते हैं तो शायद बड़ी बड़ी जो बीमारियां हमें हुई है वो हम कंट्रोल में ला सकते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन है, वेट लॉस नहीं हो रहा है, थायराइड है तो मेटाबॉलिज्म हमको बूस्ट करना है, डायबिटीज़ आपका कंट्रोल में आ जाएगा क्योंकि कैलोरीज इसमें नहीं रहती है, हाइड्रेटेड रहते हैं, वेट लॉस हो रहा है तो आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा, बीपी आपका ये कंट्रोल में रहेगा, किडनीज पे आपके होल्ड रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी अच्छी रहेगी। तो ओवरऑल इतने सारे इफ़ेक्ट आपको पानी दे रहा है, तो पानी को इग्नोर मत कीजिए। सेव वाटर, क्योंकि हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी हमें उसको बचाना है, इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, और उसको प्रॉपर टाइमिंग से लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, और नए नए वीडियो, आपको कुछ लगता है कि मैं किसी चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए, सो एज़ मैं नेक्स्ट वीडियो उस हिसाब से बनाऊँ, और देखते रहिए। थैंक यू।